बोती भेजो गंधो कमन गाय जी छोटे मालिक ये? क्या क्या बात है सारी दुनिया के सामने इस गाड़ी ने तमाशा बना दिया माँ अपनी ये कार पहले 100 किलोमीटर से ऊपर जाती थी अब 60 के ऊपर स्पीड नहीं पकड़ती क्यों नहीं पकड़ती पूछो इसे बोलो अब बस बने क्यों खड़े हो बोलो बोलो कुंदन बोलो जी जी मैकेनिक ने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि गाड़ी 60 से ऊपर ज्यादा चल ही नहीं सकती क्यों एडजस्टमेंट किया किसके हुक्म से किया बड़े मालिक के हुक्म से देखा मम्मी डैडी 50 साल के हैं इसलिए वो 20 की स्पीड से नहीं बढ़ सकते मैं तो 20 साल का हूँ मुझे 100 की स्पीड भी कम पड़ती है नीचे दिस इज जनरेशन गैप मामा ये आज का ट्रेंड है आज की स्पीड है ये डैडी कैसे समझेंगे टेल मी वन थिंग मामा डैडी कभी कार में बैठ के कॉलेज गए थे नीचे नहीं बेटे मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं था नहीं मेरे माँ बाप रेस थे और नहीं मेरी माँ किसी रेस बाप की बेटी थी तुम्हारी माँ की तरह इसलिए जब कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वो मेरी तरफ दाई नहीं करती थी बल्कि मुझे समझा दिया करती थी कभी प्यार से कभी डांट कर देखिए ना ही मैंने विजय की तरफदारी की है ना ही उसने कोई भूल की है वो तो सिर्फ ये कह रहा था गाड़ी पहले की तरह तेज क्यों नहीं चलती कॉलेज कौन सा दूर है यहाँ से अगर पैदल भी जाएगा तो 15 मिनट में पहुँच सकता है आपका मतलब है विजय पैदल कॉलेज जाएगा क्यों इसमें हर्जी क्या है हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मीलों पैदल चल के जाते हैं अगर ये पैदल चल के जाएगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा ये गाड़ी मैंने अपने बिजनेस ट्रिप्स के लिए ली है मुंबई से बाहर जाने के लिए इससे कॉलेज जाने के लिए नहीं कौन हो तुम क्या चाहिए मैं गरीब भाजी पाले वाला हूँ साहब अभी अभी आपके बेटे ने मोटर से मेरी भाजी पाले की गाड़ी उलट दी गाड़ी टूट गई साहब मेरा बहुत नुकसान हुआ साहब बहुत नुकसान हुआ देख लिया तुमने 60 की स्पीड में साहबजादे ने भाजी की गाड़ी उलट दी और अगर 100 की स्पीड होती तो 2-4 आदमियों को उड़ा देता मैं बहुत चिल्लाया साहब न उन्होंने गाड़ी रोकी और न मुड़ कर देखा तो मैं यहाँ क्यों आया पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए जी 2-4 दिन हवाला की हवा खा लेता तो होश ठिकाने आ जाते चीचा कह रही है अनजाने में जरा सी गाड़ी को टक्कर लग गई तो क्या बेटे को हवाला में बंद करवा देंगे सुनो कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा भाजी पाला तो 50 से ज्यादा का नहीं था मगर गाड़ी 300 की थी बिल्कुल टूट गई मैम साहब कुल मिलाकर 350 है ना जी ये लो 500 रुपये बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब बहुत बहुत मेहरबानी लक्ष्मी अगर सच पूछो तो ये कसूर विजय का नहीं है सब तुम्हारा है तुमने उसे गलत लाड प्यार दिया है सही शिक्षा नहीं दी